सरदारपुर में 8 दिनों के ऐच्छिक लॉकडाउन, विधायक ने दी जानकारी। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर धार जिले के सरदारपुर और राजगढ़ के लोगों के द्वारा 8 दिनों का स्वैच्छिक लॉकडाउन लगाया गया है। सरदारपुर से कांग्रेसी विधायक प्रताप ग्रेवाल ने बताया कि नगर के गणमान्य नागरिकों और व्यापारियों ने मिलकर स्वेच्छा से 23 अगस्त से 30 अगस्त तक लॉकडाउन का निर्णय लिया है। धार जिले के राजगढ़ सरदारपुर में स्वैच्छिक लॉकडाउन लगाने का निर्णय स्थानीय लोगों, व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों ने मिलकर लगाया। 23 अगस्त से 30 अगस्त तक शैक्षिक लॉकडाउन लगाया गया है। इस दौरान अति आवश्यक वस्तु की दुकान ही खुली रहेंगी, इसके अलावा पूरा बाजार और नगर बंद रहेगा। सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्र में कोरोना वायरस और बढ़ता जा रहा है। अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की सैंपलिंग हो चुकी है, वहीं 67 लोग संक्रमित हो चुके हैं, 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अभी भी 22 लोग एक्टिव हैं। विधायक प्रताप ग्रेवाल ने लोगों से लॉकडाउन को सफल बनाने की अपील की है। देश और प्रदेश का ये पहला मामला होगा जब शिक्षा से इतना बड़ा लॉकडाउन स्थानीय लोगों के द्वारा जनप्रतिनिधियों की मदद से लगाया जा रहा हो। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए धार से अमर वर्मा की रिपोर्ट। विधायक जी, राजगढ़ में स्वैच्छिक लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, क्या कुछ रहेगा पूरा लॉकडाउन? सरदारपुर क्षेत्र में और राजगढ़ क्षेत्र में कोरोना से के संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती देख करके जनता और व्यापारियों ने अपनी सेवाओं की सुरक्षा के लिए और इस बढ़ते कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए जनता और व्यापारियों ने सेवाओं के लिए दिनांक 23 अगस्त से 30 अगस्त तक का स्वैच्छिक लॉकडाउन का निर्णय लिया है। मैं सरदारपुर तहसील और आम जनता से यही निवेदन करना चाहता हूं कि स्वैच्छिक लॉकडाउन को सफल बनाएं। देश हित में, आपके परिवार के स्वास्थ्य के हित में और नगर के स्वास्थ्य के हित में, और मैं समझता हूं कि एक स्वैच्छिक लॉकडाउन पूरे प्रदेश और देश में यह पहला स्वैच्छिक लॉकडाउन होगा। प्रताप ग्रेवाल, आपको लगता है प्रदेश में होना चाहिए, देश में होना चाहिए, ताकि जनता को लगे और इस कोरोना महामारी की जो चेन को तोड़ा जा सकता है? बिल्कुल, क्योंकि क्षेत्र की जनता को सेवाओं को आगे बढ़ करके जहाँ भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या ज़्यादा होती है तो जनता को सेवाओं को और व्यापारियों को आगे बढ़ करके लॉकडाउन की मांग करना चाहिए और खुद को इस लॉकडाउन को अपन अपने नगर में अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए।